अस्सलाम वालेकुम। आज हम चेंज कर रहे हैं करोला का ट्रांसमिशन ऑयल, और ये नट है इसका ड्रेन करने का। यहाँ से ऑयल ड्रेन होगा इसका, ठीक है। ये जो भी इसकी चाबी से आप ये नट इसका खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करने की जो लिमिट है इसकी 40,000 है। तो जो कंपनी की तरफ 40,000 है, तो बाद में भी आप 40,000 के बाद चेंज कर सकते हैं। और हम आपको बताएंगे इसमें ऑयल आपने डालना कौन सा है, ताजी गाड़ी तो कौन सा है, इसमें ग्रेड कौन सा डालना चाहिए, और सर्दियों में गेट सख्त क्यों रखते हैं हमारे, जो अक्सर गेट सख्त होते हैं या ठंडी गाड़ी आवाज़ करते हैं, ठीक है। और ये सामने जो नट है यहाँ से ऑयल इसका डलेगा, ठीक है। अच्छा, आप ट्रांसमिशन जो ऑयल है देख सकते हैं, ये जिक है और ये पी एस ओ का आ गया 80W90 80 90 नंबर आ गया पी एस ओ का, ठीक है। और जिक का है 75-85 फुल सिंथेटिक, ठीक है। तो ये जी एल देखें, ये जी एल 5 है, ठीक है, जिक का जी एल 4 है, ठीक है। अब जिक का जो ऑयल है वो अच्छा ऑयल है, वो भी ठीक है, पी एस ओ का अपनी जगह पर अच्छा ऑयल है, लेकिन जी एल 5 और जी एल 4 के हिसाब से जी एल 5 अपग्रेड है, जी एल 4 थोड़ा लो ग्रेड है जिक में। लेकिन जो जिक का ऑयल है अब वो 75-85 है, और वो ऑयल हैवी महंगा, मतलब वो ऑयल आपको कम से कम मिलेगा भी तो 2000 प्लस, मतलब 2000 के ऊपर ही मिलेगा, 2000 से कम का डब्बा नहीं है, या 1900 का मिलेगा। इसमें आजकल काफ़ी भी आई हुई है, मतलब लोकल ऑयल लोगों ने डाला होता है, वो ऑयल 700-600 का आपको मिल जाता है मार्केट से, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप डालना चाहते हैं मेरी गाड़ी में ऑयल, तो कम से कम डालें पी एस ओ का या जिक का ऑयल डालें। तो जिक का भी डालना चाहते हैं, अगर बजट आपको बनता है तो आप जिक का डालें, अगर बजट नहीं बनता तो आप पी एस ओ का डालें। इसो का भी अच्छा ऑयल है पाकिस्तान का, अपना 80-90 नंबर, ठीक है। और वो नट हमने टैड कर दिया, और यहाँ से हम इसका ऑयल डालेंगे। तो ऑयल अभी इसमें डालेंगे पी एस ओ का, जो तकरीबन इसमें 2.5 लीटर आएगा, मतलब 2.7 इतना इसका ईयर ऑयल की लिमिट है। एक और तरीका ये, मतलब कैपेसिटी चेक करने का ऑयल के, कि आप जब ऑयल डालें जहाँ से नट से ऑयल डाल रहा है, जब वहाँ से ऑयल निकले तो समझ लिए आपकी ट्रांसमिशन ऑयल पूरा हो चुका है, और आप नट लगा दें, और नेक्स्ट 40,000 रुपये आप इसका ऑयल चेंज करें। तो जिक का भी ऑयल अच्छा है, पी एस ओ का भी अच्छा है, टोटल का भी आजकल आया हुआ है, लेकिन टोटल वाला बैन है पाकिस्तान में ज़्यादातर, लेकिन चलता वो भी ठीक है। और ऑयल जो मर्जी हो आप देखें, जी एल 4 है, जी एल 5 नॉर्मली आप जी एल 4 या जी एल 5 मिल जाए तो बहुत बेहतर है। जैसा पी एस ओ का जी एल 5 है और जिक का जी एल 4 है, अब पी एस ओ में गया है 80-140, वो बहुत मोटा हो जाता है। जब ऑयल मोटा होगा तो आपकी गाड़ी का गेयर सख्त लगेंगे, तो आपको चाहिए कि आप पतला ऑयल डालें ताकि गेयर हमारे सर्दियों में नरम लगे। इस तरह पुरानी गाड़ी है हमारी, उनमें जब गाड़ी स्टार्ट करें सुबह के टाइम गेयर आवाज़ करते हैं 5-10 सेकंड तक, 5-6 गेयर का आवाज़ करता है, वो इसलिए आवाज़ करता है उसके, क्योंकि उसका ऑयल मोटा होता है, इसलिए आपको पतला ऑयल डालना चाहिए गाड़ी। तो जब ऑयल मोटा होगा तो वो सुबह के टाइम आवाज़ करेगा, तो इसलिए आपको इसके अंदर पतला ऑयल डालना चाहिए 75-85। और मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह, जिसमें बताऊँगा कि हम मैन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल हैं वो अगर हम डालें मैनुअल गाड़ी में तो वो कैसे होगी, उसका बस एक्सपीरियंस आपको बताएंगे हम कैसे काम करते हैं। और ये इसका नट ऐड हो गया, ऑयल पूरा हो चुका है इसका, और गाड़ी स्टार्ट कर दी हमने, फिर चेक करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 40,000 से इसका ऑयल चेंज होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।